बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरह बनती है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब चिकन ले लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने कलेजी भी ले ली है और एक पोटा भी है जिसको मैंने चिकन निशान लगा लिया छुरी से, ठीक है, और कट लगा लिए। यानी यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं, चार टमाटर लिए हैं जिसमें मैंने दो हरी मिर्चें डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, ठीक है। दो चम्मच के करीब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी, धनिया और धनिया और मिर्चें लिए हैं। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए दो, जिसे मैंने ऐसे काट लिए हैं। और यहाँ पे सॉस लूँगी, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, विनीगर 1 टेबल स्पून, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन टिक्के का मसाला लूँगी मेहरान का 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है, उसमें एक फ्लेवर आ जाए। यहाँ मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए यानी कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक लिया है क्योंकि पहले से भी चिकन टिक्का डाल रहे हैं हम मसाला, इसमें मौजूद होगा नमक, ठीक है। और 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है मैंने, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे लेंगे ब्लैक पेपर काली मिर्च, यानी 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे ले लिया है मैंने, क्या कहते हैं, भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, ठीक है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया, और एक मैंने छोटा कोयले का पीस लिया है जिसका मैं धुआँ दूँगी यानी स्टीम दूँगी उस पर, ठीक है, यानी एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने नींबू का जूस, ठीक है, नींबू का रस लिया है। और यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून भर के दही लिया और विथ क्रीम 2 टेबल स्पून इसके अंदर क्रीम ऐड है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है चिकन को मैरिनेट कर दूँगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने जो यहाँ पे लिए हैं स्पाइसेस हैं, कोयले को हटा देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैरिनेट करूँगी चिकन को। यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, ठीक है, चिकन के ऊपर, ठीक है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने भर के टिक्का यहाँ पे जो है मसाला डालूंगी, टिक्का बोटी मसाला डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब, ये वाला चम्मच मैंने लिया, ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब भर के टिक्का बोटी मसाला, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हाफ और डाल देते हैं, अब ये हो गया 1 टेबल स्पून, ठीक है। यहाँ पे हमने मैंने स्पाइसेस ले लिए हैं, और इसमें नींबू का जूस, नींबू का रस और सिरका 1 टेबल स्पून के करीब, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए डालना है। और सोया सॉस 2 टेबल स्पून और चिली सॉस 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये हमें चाहिए सॉसेस में। इसको साइड पे कर देते हैं, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब भर के, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और साथ में दही ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड पे कर देते हैं और ये मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। इसको मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, दही सॉसेस के साथ, मसालों के साथ अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने जो है लाल मिर्च नहीं डाली, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, क्योंकि पहले से टमाटर में भी 2 सब्ज़ मिर्चें डाली है मैंने, और मैंने धनिया पुदीने के साथ भी इसमें डाल दी है, ठीक है। अब ये मैंने मैरिनेट कर दिया, और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी एक साइड पे, ठीक है, ये मैंने इसको कवर कर दिया और मैं एक साइड पे रख देती हूँ। और अब आ गई प्याजों की बारी, ठीक है, ये भी साइड पे कर देते हैं, कोयला इधर रख देती हूँ। और अब प्याजों की बारी है, प्याजों को हम लोगों ने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन, ठीक है, ब्राउन करने हैं। 1/4 कप के करीब ऑयल ले लिया था, और जो कढ़ाई है हमारी प्यारी सी इसे मैंने गर्म कर लिया था। इसमें अब मैं जो प्याज हैं वो ब्राउन कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। प्याज हो रहे हैं ब्राउन, देखें, बस इस तरह चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि एक जैसे प्याज ब्राउन हो, ठीक है। तो बस जैसे ये ब्राउन होंगे मैं इसे प्लेट में निकाल के
ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, हमें ग्राइंड करना है इनको, जैसे हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है वैसे ही हमने प्याज़ों का एक पेस्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ हो गए ये ब्राउन, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बस इस तरह के हमें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करने, तो एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ सारे प्याज। प्याज ब्राउन देखें हो चुके हैं, मैंने निकाल लिए, वहाँ पे कोयला भी मैंने गर्म होने रख दिया। अब मैं इसे कर लेती हूँ ग्राइंड। जग में मैंने डाल दिया, देखिए मीडियम साइज़ के ये बड़े प्याज थे और जो है फ्राई होने के बाद इतने से रह गए हैं। अब मैं इनको कर लेती हूँ ग्राइंड। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ग्राइंड हो गए हैं, पेस्ट बना ली है। अब मैं इसे ऑयल में डाल देती हूँ वापस। ठीक है, जग मैंने अच्छी तरह धो के डाल दिया था और ये फ्राई कर लेती हूँ इसको। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करूँगी, ये ऑलरेडी फ्राई है, सिर्फ ऑयल में हमने ठीक है दोबारा से करना है। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। अब साथ ही बस अपना मैं इसके डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर का पेस्ट जो बनाया था ये भी ऐड कर रही हूँ बीच में मैं। ठीक है, और इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं फ्राई हुए, फ्राई करते हुए मुझे प्याज और टमाटरों को यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन है और ये मैं अब ऐड करने लगी हूँ। आज दरअसल मेरी जो रिंग लाइट है उसका मोबाइल स्टैंड टूट चुका है, आप लोगों की बुरी खबर है, तो मुझे एक हाथ से ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो बनानी पड़ रही और एक हाथ से ही रेसिपी बना रही हूँ, तो इस वजह से आज मुझे ज़रा दिक्कत हो रही है बनाने में। ये मैं बाउल जो है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ कर लिया तर दिया और अब मैंने इसमें इसको फ्राई करना है। तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी चिकन को। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुर्गी को फ्राई करते, बस थोड़ा सा इसमें पानी रह गया। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं एक आलू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें भी बहुत मज़ेदार सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और ये जो है मैं अपने भाई के लिए डाल रही हूँ क्योंकि वो मसाले वाले में आलू ज़रूर पसंद करता है। और बस अब मैं इसको 5 मिनट मज़ीद भुनाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई तो रेडी है, यहाँ पे जो है मैंने वो रख दिया था कोयला। ठीक है, वो हो गया गरम और यहाँ पे मैं रखती हूँ इसमें, ठीक है, इसे फॉइल रख देंगे हम, आपके पास चम्मच है तो चम्मच रख दें। जो कोयला मैंने गरम किया हुआ था वो फॉइल में इस तरह से मैं रख दूँगी। ठीक है, और इस पे ना 1 ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं, बस तो आपने ना यूँ इस तरह से डालना है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर डाल के फ़ौरन से बंद कर देना तकरीबन 6 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के, ये कवर कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, ताकि इसमें ना स्मोकी सा बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए इसमें। ठीक है, कोयले का तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये मैं उठा लेती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारी महक आ रही है। और ये अब मैं फॉइल और कोयला बीच में से उठा देती हूँ, साइड पे रख देते हैं। और हमारे पास जो कटिंग किया हुआ धनिया था काटा हुआ और मिर्चें थी वो मैं शामिल कर देती हूँ इसमें। ठीक है, तो धनिया और मिर्चें से शामिल करने के बाद इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। और ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है तिक्का स्मोकी कढ़ाई हमारी रेडी है, या तिक्का कोयला कढ़ाई आप इसको कह सकते हैं, बड़ी मज़ेदार और बड़ी टेस्टी सी। तो बस अब मैं इसको दम भी देने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक इसे थोड़ा सा पका के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का कोयला कढ़ाई रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और जो है इसको आप खा सकते हैं खमीरी रोटी के साथ या नान के साथ या सिंपल रोटी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।